बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में सुमित्रा अपने तीन बच्चों के साथ एक कच्चे मकान में रहा करती थी। कुछ समय पहले ही सुमित्रा के पति का निधन हो गया था, जिसकी वजह से तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सुमित्रा के ऊपर आ चुकी थी। सुमित्रा अपना और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए सिलाई किया करती थी। वह बहुत अच्छी सिलाई करती थी, लेकिन सुमित्रा को उसके हुनर के ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से कभी कभी तो उसे अपने बच्चों के साथ भूखा रहना पड़ जाया करता था। सुमित्रा की एक 17 वर्ष की बेटी थी दिव्या और एक 8 वर्ष की बेटी थी सुमन और एक 5 वर्ष का बेटा था रोहन। एक दिन सुमित्रा अपने हाथ के बहुत सुंदर सुंदर तैयार किए हुए कपड़े एक पोटली में बांधती है, तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, माँ मैं एक हफ्ते से लगातार देख रही हूँ आप रात दिन सिलाई करती हैं और जो भी आपने कपड़े सिलकर तैयार किए हैं आप उन्हें बांधकर कहाँ लेकर जा रही हैं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या करने वाली हैं? दिव्या मेरी प्यारी बच्ची, मैं इन सभी कपड़ों को शहर लेकर जा रही हूँ, तुझे तो पता ही है कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ, लेकिन यह गांव वाले हैं कि मुझे ज्यादा पैसे देते ही नहीं हैं, इसलिए मैं शहर इन कपड़ों को बेचने जा रही हूँ, वहाँ इन कपड़ों की अच्छी कीमत मिल जाएगी। तुम देखना, अब जो तुम्हें एक समय का खाना मिलता है ना, उसके बाद तुम्हें दो समय का खाना मिलने लगेगा। दिव्या तुम बड़ी हो, मेरे जाने के बाद अपने दोनों भाई बहन का अच्छे से ख्याल रखना। ठीक है मेरी प्यारी बच्ची, मैं जल्दी कपड़े बेचकर वापस आ जाऊंगी और जब तक मैं वापस आऊंगी उतना राशन घर में रखा है। ऐसा कहकर सुमित्रा अपने हाथ से बने हुए सभी कपड़ों की पोटली बांधकर और अपने बच्चों से विदा लेकर शहर के लिए निकल जाती है। शहर जाने के लिए रास्ते में एक नदी पड़ती थी, जिसे नाव में बैठकर पार करनी पड़ती थी। सुमित्रा अपनी पोटली समेत नाव के अंदर बैठ जाती है, लेकिन तभी बहुत तेज तूफान आता है और वह नाव डिसबैलेंस हो जाती है, जिसकी वजह से सुमित्रा अपने कपड़ों की पोटली समेत नदी के अंदर बहकर कहीं गुम हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। घर पर दिव्या, सुमन और रोहन अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे और घर में जो भी कुछ राशन था वह भी खत्म हो गया था। तभी सुमन दिव्या से कहती है, दीदी दीदी पता नहीं माँ कहाँ गुम हो गई, 5 दिन के लिए कहकर गई थी और आज पूरे 10 दिन हो गए। उन्हें तो अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि घर में कितना कम राशन था, ये 10 दिन हमने किस तरह से गुजारे हैं हमें ही पता है। सुमन यह माँ के बारे में तुम किस तरह से बातें कर रही हो, माँ मौज मस्ती के लिए तो शहर नहीं गई, वे हमारे अच्छे के लिए ही तो शहर गई है, पता नहीं कहीं माँ के साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। तुम रोहन का ख्याल रखना, मैं अभी आती हूँ, शहर को जाने वाले रास्ते पर पता कर आती हूँ आखिर बात क्या है। ऐसा कहकर दिव्या शहर को जाने वाले रास्ते यानी कि नदी के पास जाकर वहाँ के लोगों से मालूम करती है, तो उससे एक औरत कहती है, बेटा कहीं तुम उस औरत के बारे में बात तो नहीं कर रही जिसने रेड साड़ी पहन रखी थी और हाथ में कपड़ों की पोटली थी। बेटा उसके साथ तो बहुत गलत हुआ, जैसे ही वह नाव में बैठी तभी बहुत तेज तूफान आ गया और नाव के साथ बहकर पता नहीं कहाँ चली गई, लगता है अब तुम्हारी माँ जिंदा नहीं रही। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा नहीं हो सकता, हमारी माँ हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, वह तो शहर जा रही थी, माँ हमें अकेला छोड़कर कैसे जा सकती है, अब हम उनके बिना कैसे रहेंगे, घर पर रोहन कितना छोटा है वह माँ के बिना कैसे रहेगा, और घर में तो राशन भी नहीं है, अब हमारा पालन पोषण कैसा होगा, माँ अब तो हमारे अच्छे के लिए शहर जा रही थी लेकिन हमारे साथ इतना बुरा कैसे हो गया, पहले पिताजी और अब आप। नहीं माँ नहीं माँ, आप हमें अकेला छोड़ के नहीं जा सकती, आप जहाँ भी जल्दी से वापस आ जाइए माँ, माँ वापस आ जाइए आप। वह औरत दिव्या को दिलासा देती है और दिव्या उदास होकर घर आ जाती है और घर आकर अपने छोटे भाई बहन को अपनी माँ की मौत के बारे में बता देती है। अपनी माँ की मौत की खबर सुनकर दोनों भाई बहन बहुत ज्यादा रोते हैं। तभी दिव्या सुमन और रोहन से कहती है, सुमन और रोहन हमारी किस्मत में जो भी लिखा था वह हमारे साथ हो चुका है, लिखे को कौन मिटा सकता है, तुम्हारी बड़ी बहन है ना तुम्हारे साथ, मुझे थोड़ी सिलाई करनी आती है इसलिए मैंने सोचा कि मैं बुटीक पर जाकर नौकरी करूंगी
और वहाँ से जो भी कुछ पैसे मिलेंगे उससे मैं तुम दोनों का पालन पोषण करूँगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे प्यारे भाई बहन आज और पानी पीकर अपना गुजारा कर लो। और अगले दिन बुटीक पर जाती है, तभी बुटीक मालकिन कहती है, देखो पहले तुम्हें हमें लहंगा सिलकर दिखाना होगा कि तुम कैसे सिलाई कर लेती हो, उसी के बाद हम तुम्हें नौकरी दे पाएंगे। मालकिन के इतना कहते ही दिव्या सिलाई मशीन पर बैठ जाती है और बहुत मेहनत और लगन से एक बहुत सुंदर लहंगा सिलकर तैयार करती है, जिसे देखकर बुटीक मालकिन दंग रह जाती हैं और वह तुरंत उसे नौकरी दे देती हैं और एडवांस पैसे भी। अब दिव्या अपने घर के लिए बहुत सारा राशन लेकर जाती है और शाम को स्वादिष्ट स्वादिष्ट अपने दोनों भाई बहन के लिए खाना बनाकर देती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। दिव्या बुटीक पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी और पैसे कमा रही थी और अपने दोनों भाई बहन का पालन पोषण कर रही थी। अब दिव्या के घर के हालात पहले से थोड़े बेहतर हो जाते हैं। एक दिन बुटीक मालकिन दिव्या से कहती हैं, देखो दिव्या, हमारे बुटीक पर तुम्हारी वजह से बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं। मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ और कल ही मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 50 लहंगों का, और यह ऑर्डर मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ। इसके तुम्हें अच्छे पैसे भी मिल जाएंगे। देखो दिव्या, तुम मुझे निराश मत करना। तुम तो जानती हो कि मेरी एक ब्रांच दूसरे गांव में भी है, मुझे वहां जाना पड़ रहा है। मेरे पीछे तुम ही इस बुटीक को संभालोगी और ये ऑर्डर भी पूरा करोगी, ठीक है? मालकिन जी, आप चिंता ना करो, मैं इस बुटीक को बिल्कुल अपना जैसा ही समझूंगी, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी और समय रहते ऑर्डर भी पूरा हो जाएगा। बुटीक मालकिन दिव्या के ऊपर भरोसा करके उसके ऊपर बुटीक की सारी जिम्मेदारी छोड़कर दूसरे गांव चली जाती हैं। लेकिन बुटीक में एक लड़की थी काजल, जो हमेशा दिव्या से जलती थी, उसकी तरक्की से जल रही थी। तभी वह अपने साथ की एक लड़की से कहती है, अंजलि देखो तो हम दोनों कितने समय से इस बुटीक पर काम कर रहे हैं। हमने अपनी आधी उम्र तो इसी बुटीक पर लगा दी, लेकिन मालकिन को हमारे ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है और कल की आई लड़की को पूरी बुटीक की जिम्मेदारी दे दी और जो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है वो भी। इस तरह से तो ये हमसे कितने आगे बढ़ जाएगी, हमें इसे अभी रोकना चाहिए वरना तो हमारा पत्ता साफ ही समझो। हाँ काजल, कहती तो तुम बिल्कुल सही हो, लेकिन तुमसे ज्यादा चतुर और चालाक कौन हो सकता है। अब तुम ही कोई प्लान बनाओ कि तुम इस दिव्या की बच्ची को किस तरह से रास्ते से हटाती हो। इतनी आसानी से मैं इसे रास्ते से नहीं हटाऊंगी, पहले इसे मेहनत करने दूंगी, उसके बाद इसकी सारी मेहनत पर ऐसे पानी फेरूंगी जिसके बारे में ये सोच भी नहीं सकती। ये हमारे रास्ते में आई है ना, और अपने दुश्मन को रास्ते से हटाना मुझे अच्छी तरीके से आता है। ऐसा कहकर काजल बहुत हंसती है। वहीं दूसरी तरफ बेचारी दिव्या बुटीक का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, रात दिन सिलाई करती है और समय रहते 50 लहंगे बनाकर तैयार कर देती है। तभी काजल सही समय आने पर 50 लहंगों समेत बुटीक के अंदर आग लगा देती है। जब बुटीक मालकिन आकर यह सब देखती है तो वह आग बबूला हो जाती है और वह दिव्या को जोर से थप्पड़ मारकर उससे कहती है, दिव्या ये मैं क्या देख रही हूँ, तुमने मेरा पूरा बुटीक जला दिया और इसके अंदर कितना महंगा महंगा सामान भी रखा था, तुमने कैसे जिम्मेदारी निभाई? पता नहीं मालकिन जी, यह सब कैसे हो गया, ये सब देखकर तो मैं भी बहुत हैरान हूँ। मालकिन जी आपके सामने ड्रामा कर रही है, आपको नहीं पता आपके पीछे हमसे ही आपकी कितनी बुराई करती थी, आपको बर्बाद करने के लिए ही तो इसने आपके बुटीक में आग लगाई है। दिव्या मैं नहीं जानती कि तुमने मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाली है, लेकिन तुमने मेरे पूरे 20 लाख रुपए का नुकसान किया है। मुझे नहीं पता कि तुम 20 लाख रुपए कहां से लेकर आओगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए तुरंत के तुरंत चाहिए। खुद को बेचो, अपने भाई बहन को बेचो, लेकिन मुझे मेरे पैसे ला कर दो, वरना सोच लेना तुम तीनों भाई बहन को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी और कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। अब मेरे सामने से दफा हो जाओ। दिव्या अपनी मालकिन के सामने बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात का भरोसा कोई नहीं करता। और काजल और अंजलि यह सब देखकर बहुत हंस रही थी, वह जो करना चाहती थी उन्होंने कर दिया। दिव्या रोते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी और अपनी माँ को बहुत ज्यादा याद कर रही थी। माँ आज आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है, अगर मैं अकेली होती तो मैं जेल चली जाती, लेकिन मेरे छोटे भाई बहन मैं उन्हें जेल जाते हुए नहीं देख सकती। लेकिन अगर 20 लाख रुपए नहीं दिए तो मालकिन जी हम तीनों भाई बहन को जेल पहुंचा देंगी। माँ आप हमें छोड़कर क्यों चली गई, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। इस तरह से दिव्या बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी वहाँ पर दिव्या के स्वर्गवासी माँ की आत्मा आती है और वह दिव्या से कहती हैं,
बेटा मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गई, मैं तुम्हारे साथ हूँ। माँ कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती, चाहे वे इस दुनिया से क्यों न चली जाए। मेरे जाने के बाद तुमने अपने छोटे भाई बहन का कितने अच्छे से ख्याल रखा, मुझे तुम पर गर्व है। तुम बहुत अच्छी बहन हो बेटा। मैं तुम्हें जादुई सोने और चांदी के दो लहंगे देती हूँ। जादुई सोने के लहंगे से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी, और जादुई चांदी के लहंगे से तुम बुटीक की मालकिन को सच्चाई दिखाना कि बुटीक के अंदर क्या हुआ था। तुम बेगुनाह साबित हो जाओगी बेटा। माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक माँ ही होती है जो मुसीबत में आए अपने बच्चों को निकाल सकती है। जादुई सोने और चांदी के लहंगे देने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्या अपनी माँ के जादुई सोने और चांदी के दोनों लहंगे अपने घर लेकर आ जाती है और अपने दोनों भाई बहन को उनके बारे में बताती है। तभी रोहन कहता है, देखा सुमन दीदी, माँ हमारे साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी किस तरह से मदद की। अगर माँ हमें जादुई सोने और चांदी के दो लहंगे नहीं देती तो आज हम जेल में होते। दिव्या दीदी आप जल्दी से जाइए और जादुई चांदी के लहंगे की मदद से अपनी मालकिन को सच्चाई दिखाइए। रोहन के इतना कहते ही दिव्या अपनी मालकिन के पास जाती है और वहाँ जाकर उनसे कहती है, मालकिन जी आपको ऐसा लग रहा है ना कि मैंने आपका भरोसा तोड़ा है। मैंने मेहनत नहीं की, मैंने ऑर्डर पूरा नहीं किया था। आज आपको सच्चाई का पता चल जाएगा कि आपके बुटीक में आग किसने लगाई और मेरी मेहनत को किसने बर्बाद करना चाहा। यह कोई मामूली लहंगा नहीं है, यह जादुई चांदी का लहंगा है। इसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि जब हम दोनों यहाँ पर नहीं थे तो यहाँ पर क्या हुआ था। ऐसा कहकर दिव्या जादुई चांदी के लहंगे से कहती है, माँ के जादुई लहंगे, एक हफ्ते पहले यहाँ पर जो जो भी हुआ मालकिन जी को वह सब कुछ नजर आना चाहिए। दिव्या के इतना कहते ही जादुई चांदी का लहंगा बुटीक मालकिन को सब दिखाता है कि किस तरह से काजल बुटीक के अंदर आग लगा रही है और उसने किस तरह से दिव्या की मेहनत के बने हुए 50 लहंगे बुरी तरीके से जलाए थे। यह सब देखकर बुटीक मालकिन चौंक जाती हैं और वह दिव्या से माफी मांगती हैं और पुलिस को लेकर काजल के घर जाती हैं और उसे पुलिस के हवाले कर देती हैं। काजल को उसके केक की सजा अच्छी तरह मिल जाती है। इस तरह से दिव्या अपने माँ के दिए हुए जादुई सोने और चांदी के लहंगे की मदद से एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है, सोनापुर नामक गांव में जूही अपनी सौतेली माँ कावेरी और सौतेली बहन दिव्या के साथ रहा करती थी। जन्म देते समय ही जूही की माँ की मृत्यु हो जाती है। जूही बहुत छोटी थी, उसे माँ की जरूरत थी, इसलिए जूही के पिता राम प्रकाश कावेरी से दूसरा विवाह कर लेते हैं। कावेरी ने शुरू शुरू में तो जूही को बिल्कुल माँ जैसा ही प्यार दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे कावेरी ने जूही के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। दिव्या भी जूही से बहुत जलती थी, क्योंकि जूही बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता में चार चांद उसके काले घने सुंदर रेशम जैसे बाल बनाते थे। कावेरी जूही से घर के सारे काम कराती थी और उसके बाद ही उसे कॉलेज जाने की परमिशन देती थी। जूही को पढ़ना था इसलिए वह सभी काम समय पर करती थी और कॉलेज जाती थी। कॉलेज में भी जूही के बालों की बहुत चर्चा थी। ऐसे ही एक दिन कुछ लड़कियां जूही से कहती हैं, अरे यार जूही, तेरे बाल कितने ज्यादा सुंदर हैं। पूरे कॉलेज में तेरे जैसे सुंदर बाल किसी के भी नहीं हैं। हमें भी बताना कि तू आखिर अपने बालों पर क्या लगाती है। हम भी तेरे जैसे बाल करना चाहते हैं। हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसके बाल सुंदर हों, बिल्कुल तेरी तरह। बताना यार तू क्या लगाती है। ओ माई गॉड, तुम्हें इस जूही की बच्ची के बाल सुंदर लगते हैं? मुझे तो कहीं से भी सुंदर नहीं लगते, उजड़ा चमन लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक सुंदर बाल देखे नहीं है। कि सुंदर बाल कैसे होते हैं? मामूली से तो बाल हैं और तुम इन्हें सुंदर बता रही हो। अपने आँखों को टेस्ट करो, शायद तुम्हारा नंबर बढ़ गया है। हाँ हाँ दिव्या, हमें अच्छी तरह से पता है, जो ही तेरी सौतेली बहन है ना, तो तू इसे पसंद नहीं करती। तो तुझे इसके बाल क्यों पसंद आएंगे? तो इसके बालों से जलती है, क्योंकि ना तेरे बाल इसकी तरह सुंदर हैं और ना ही तो जूही की तरह सुंदर दिखती है। इसलिए ही तो उसकी सुंदरता से जलती है, पूरा कॉलेज जानता है। खैर यह सब बातें छोड़ो जूही, आज तो तुम्हें बताना ही होगा आखिर तुम्हारे सुंदर बालों का राज क्या है। संजना, मैं अपने बालों को ज्यादा कुछ नहीं लगाती, बचपन से ही मेरे बाल ऐसे हैं, क्योंकि मेरी माँ के बाल भी बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। शायद मेरे बाल भी मेरी माँ पर ही गए हैं। और वैसे अगर बालों की अच्छी केयर करो, समय समय पर तेल लगाओ,
केमिकल शैम्पू से दूर रखो तो शायद सभी के बाल अच्छे हो जाएं। और संजना, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आज के बाद तुम दिव्या से इस तरह से बात मत करना। देखो वह गुस्सा होकर यहाँ से चली गई, पता नहीं अब घर जाकर वह मेरे साथ क्या करेगी। ऐसा कहकर जूही दिव्या के पास जाती है और उससे कहती है, दिव्या अभी जो संजना ने तुमसे कहा प्लीज तुम उसका बुरा मत मानना, तुम तो जानती हो कि वह ज्यादा बोलती है, हंसी मजाक करती है, इसलिए उसने ऐसा कह दिया। तुम्हारे बाल भी बहुत सुंदर हैं। प्लीज कॉलेज में जो भी कुछ हुआ तुम माँ को जाकर मत बताना, वरना वह मेरी बहुत पिटाई करेंगी। इससे पहले भी जब तुमने माँ को शिकायत लगाई थी तो उन्होंने मुझे कितना मारा था और 4 दिन तक खाना भी नहीं दिया था। प्लीज दिव्या तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ, तो माँ को जाकर कुछ मत बताना। माय फुट, मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तेरी वजह से आज कॉलेज में मेरी कितनी इंसल्ट हुई है। तू तो हवा में उड़ रही थी ना, क्योंकि सब तेरी सुंदरता की, तेरी बालों की तारीफ कर रहे थे। तुझे क्यों बुरा लगेगा कि लोग मुझे बुरा कहें? तू तो चाहती है कि तेरे सामने मेरी इंसल्ट हो, सब मुझे भला बुरा कहें। माँ से तो मुझे तेरी शिकायत लगानी ही होगी, तेरा कॉलेज बंद करवाना ही होगा, तब तुझे पता चलेगा। जूही के बहुत समझाने के बाद भी दिव्या उसकी एक नहीं सुनती और घर जाने के बाद अपनी माँ से एक में चार चार झूठी बातें लगाकर अपनी माँ को बताती है, जिसे सुनकर कावेरी आग बबूला हो जाती है और वह बेचारी जूही की बहुत ज्यादा पिटाई करती है और उससे कहती है, मनहूस मैंने तुझे कॉलेज जाने की परमिशन देकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी। तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए, तेरे दोस्तों ने मेरी बेटी की सुंदरता का मजाक उड़ाया, उसे भला बुरा कहा और तूने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इसकी सजा तो तुझे अच्छी तरह मिलेगी, अब तो कॉलेज नहीं जाएगी, तेरा घर से बाहर निकलना बंद, घर में रहकर नौकरानी की तरह काम करेगी, यही तेरी औकात है। हाँ हाँ मम्मी, यह आपने बहुत अच्छा फैसला लिया, अगर ये घर से बाहर नहीं जाएगी तो कोई इसकी सुंदरता की और सुंदर बालों की तारीफ भी नहीं करेगा और न ही कॉलेज में सभी लड़कियाँ इसे मुझसे ज्यादा सुंदर बताएंगी। माँ यह आप क्या कह रही हो, एग्जाम होने वाले हैं, अगर मैंने एग्जाम नहीं दिए तो यह मेरा पूरा साल खराब हो जाएगा। माँ दिव्या गुस्से में वहाँ से चली गई थी, लेकिन दिव्या के जाने के बाद मैंने उन सभी लड़कियों को समझाया, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए, मैं पढ़ना चाहती हूँ माँ, प्लीज़ मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए। आप मुझसे जो भी काम करने के लिए कहेंगी मैं वह सब करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बस मेरा कॉलेज बंद मत कीजिए माँ। बेचारी जूही अपनी सौतेली माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाती है, लेकिन कावेरी को मानो जैसे कोई बहुत सवार हो, वह जूही की एक नहीं सुनती और उसका कॉलेज जाना बंद कर देती है। जूही को बहुत बड़ा सदमा लगता है और वह अब बस 24 घंटे घर में रहकर घर के काम करती, झाड़ू पोंछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, बस इसी में उसका पूरा दिन गुजर जाता। और वहीं दूसरी तरफ दोनों माँ बेटी ऐश कर रही थी, दिव्या पार्टी करती है, शादी में जाती है, कॉलेज जाती है, दोस्तों के साथ घूमती है, फुल एंजॉय कर रही थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन सरिता अपने बेटे के साथ कावेरी के घर आती है। सरिता मोहल्ले की सबसे अमीर औरत थी, तभी कावेरी उससे कहती है, अरे सरिता बहन आप हमारे घर क्यों आई, मुझे बुला लिया होता मैं तुरंत आपके घर आ जाती। अरे नहीं नहीं कावेरी बहन, यह आप कैसी बातें कर रही हो, आप तो जानती ही हो कि मेरा बेटा विदेश में पढ़ाई कर रहा था, अभी लौटा है और एक दिन तुम्हारी बेटी को मेरी बेटी ने देख लिया, अब वह तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता है। अरे सरिता बहन आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हो, आप जैसे बड़े घराने में अपनी बेटी की शादी करना तो सौभाग्य की बात है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आज से दिव्या तुम्हारी हुई। कावेरी बहन आप गलत समझ रही हैं, मैं दिव्या की नहीं जूही की बात कर रही हूँ, वैसे तो जूही मुझे पहले से ही बहुत पसंद थी, अब मेरे बेटे को भी पसंद आ गई तो बस इसलिए रिश्ता लेकर आ गई, तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का ही समझूं? ठीक है। सरिता और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कावेरी अंदर ही अंदर आग बबूला होती रहती है कि जूही का इतने बड़े घराने में रिश्ता पक्का कैसे हो गया। ऐसे ही समय बीत रहा था, एंगेजमेंट का दिन आ जाता है, तभी दिव्या अपनी माँ से कहती है, क्या मम्मी आज भी आप हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहेंगी? हमारे घर की नौकरानी जो हमारे झूठे बर्तन साफ करती है, हमारे गंदे कपड़े धोती है, आज उसके इतने अच्छे लड़के से इंगेजमेंट होने जा रही है और आप तमाशा देख रही हैं? आप कुछ नहीं करेंगी? सुमित से मेरी शादी होनी चाहिए, उस मनहूस की नहीं, आप कुछ भी कीजिए लेकिन इंगेजमेंट होने मत दीजिए, आगे आप खुद समझदार हैं कि आपको क्या करना है।
हाँ बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। सुमी से शादी तो तेरी होनी चाहिए, उस मनहूस की नहीं। इंगेजमेंट शाम का है ना, इसकी सुंदरता और सुंदर बालों की वजह से ही सरिता और उसका बेटा इस पर फिदा है। अब देखना आगे आगे मैं करती क्या हूँ। ना रहेगा बांस और ना ही बाजेगी बांसुरी। मनहूस का ऐसा हाल करूंगी कि कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा होगा। बहुत खुश हो रही है ना, अब इसकी खुशियों को ग्रहण लगाती हूँ। ऐसा कहकर कावेरी जूही के पास एक शैम्पू लेकर जाती है, जिसके अंदर कावेरी ने ऐसा केमिकल डाल रखा था जिसे लगाते ही जूही के सारे बाल खत्म हो जाते। और जूही के पास जाकर बहुत प्यार से उससे कहती है, जूही बेटा तू अभी तक शाम के एंगेजमेंट के लिए तैयार नहीं हुई। चल ठीक है, जब तू शावर ले तो यह शैम्पू लगा लेना, तेरे बाल और भी ज्यादा सुंदर लगेंगे। पहले ही मेरी बेटी के बाल इतने सुंदर हैं, और भी ज्यादा सुंदर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, और मैंने अब से पहले जो तेरे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब तो कुछ दिन की है, कुछ दिन बाद पराही हो जाएगी। माँ मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस आप मुझे अपनी बेटी मान ले, मेरे लिए इतना ही काफी है। अच्छा ठीक है, जब मैं शावर लूंगी तो आपका दिया हुआ शैम्पू जरूर यूज करूंगी। बेचारे जूही, उसे ऐसा लगता है कि उसकी शादी होने वाली है तो उसकी सौतेली माँ सुधर गई। लेकिन बेचारी को क्या पता था कि इस मासूम चेहरे के पीछे उसकी सौतेली माँ ने कितना खतरनाक चेहरा छुपा रखा है। उसकी सौतेली माँ उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। जूही खुशी खुशी शावर लेने चली जाती है, और शावर लेते लेते बेचारी के सारे बाल झड़ के नीचे गिर जाते हैं और वह पूरी तरह से गंजी हो जाती है। यह देखकर जूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह जोर जोर से रोने लगती है। नहीं नहीं, यह क्या हो गया? लगता है मेरी सौतेली माँ ने जानबूझकर मुझे ऐसा शैम्पू दिया जिसके अंदर केमिकल था, जिसे लगाते ही मेरे सारे बाल चले गए। मैं तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं बची। आज मेरी एंगेजमेंट, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे और यहाँ मैं गंजी। सब मुझे देखकर मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे, मेरा ऊपर कितना हंसेंगे। सुमित जी, जिन्हें मेरे बाल पसंद थे, वह मुझे देखकर शादी करने से साफ इनकार कर देंगे, क्योंकि जो चीजें पसंद थी वही खत्म हो गई। यह क्या अनर्थ हो गया? मुझे लगा था शादी हो जाएगी तो मुझे मेरी सौतेली माँ के अत्याचार से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन उनकी बातों में आकर मैंने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। ये क्या हो गया? ऐसा कहकर जूही बहुत रोती है और बहुत हिम्मत करती है, पार्टी में चली जाती है। जूही को देखकर सब उसके ऊपर बहुत हंसते हैं। तभी सुमित कहता है, मम्मी मैं इस गंजी से शादी नहीं करूंगा, इसके बाल ही तो सबसे ज्यादा सुंदर थे, अब वही नहीं रहे, चलिए यहाँ से, मैं इससे शादी नहीं करूंगा। ऐसा कहकर सुमित वहाँ से चला जाता है। जूही बहुत रोती है और दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं। वह जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो गया। जूही से यह सदमा बर्दाश्त नहीं होता और वह घर छोड़कर एक जंगल की तरफ रोते हुए भागी चली जाती है। और तभी वह रास्ता भटक जाती है और एक ऐसे जंगल में जा पहुँचती है जहाँ पर एक तरफ जादुई सोने के हेयर बैंड की नदी बह रही थी और दूसरी तरफ जादुई चांदी के हेयर बैंड की नदी बह रही थी, जिसे देखकर जूही चौंक जाती है। अरे मैं कहाँ आ गई, मुझे तो घर जाने का रास्ता भी नहीं पता, और ये मेरे सामने क्या है? सोने और चांदी के हेयर बैंड की नदी, ऐसा अद्भुत नजारा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। जूही ऐसा सोच ही रही थी तभी वहाँ पर एक जादूगरनी आ जाती है और वह जूही से कहती है, इस जंगल में आज तक कोई नहीं आया, और अगर तुम यहाँ पर आई हो और तुमने जादुई सोने और चांदी के हेयर बैंड की नदी देखी है तो इसका मतलब तुम्हारी किस्मत तुम्हें यहाँ खींच कर लेकर आई है। लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। जादूगरनी के इतना कहते ही जूही रोने लगती है और रो रोकर अपनी आप बीती बताती है, जिसे सुनकर जादूगरनी को भी बहुत दुख होता है। तभी वह जादूगरनी जूही से कहती है, यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तुम्हारी सौतेली माँ को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी सौतेली माँ तो बहुत ही दुष्ट हैं। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे बाल पहले की तरह सुंदर आ जाएं और तुम बहुत ज्यादा अमीर भी हो जाओ तो यह जादुई सोने का हेयरबैंड लगा लो। मगर मैं कब से किसी इंसान की तलाश कर रही थी जो नेक और अच्छा हो। अगर तुम जादुई चांदी के हेयरबैंड लगाओगी तो तुम्हारे बाल नहीं आएंगे और ना ही तुम्हें धन दौलत मिलेगी, बल्कि तुम जादुई चांदी के हेयरबैंड की नदी के अंदर जाकर वहाँ जो 10 जल परियां बीमार हैं उनकी सेवा करनी होगी पूरे 10 साल तक, और तुम्हें वहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बताओ तुम क्या चाहती हो, बाल धन दौलत या फिर जल परियों की जान बचाना चाहती हो जो सिर्फ तुम ही बचा सकती हो?
जादूगरनी जी, मेरे साथ जितना बुरा होना था वह हो गया। अगर जादू चांदी के हेरबैंड की नदी के अंदर जाने से, जल परियों की सेवा करने से वह ठीक हो जाती हैं, तो यह पुण्य का काम जरूर करना चाहूंगी। मेरे लिए खुशी की बात होगी कि किसी की जिंदगी मेरी वजह से वापस आ जाएगी। मुझे बाल, धन, दौलत यह सब कुछ नहीं चाहिए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जादू चांदी का हेयरबैंड लगाकर नदी के अंदर जाना चाहती हूँ, जल परियों की सेवा करना चाहती हूँ। जूही के इतना कहते ही जादूगर ने जादुई चांदी के हेयरबैंड की नदी से उसे एक जादुई चांदी का हेयरबैंड दे देती है, जिसे लगाते ही जूही के बाल बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाते हैं, आधे सोने के और आधे चांदी के। जूही पहले से भी ज्यादा सुंदर हो जाती है और उसके सामने सोने और चांदी के सिक्के भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जूही चौंक जाती है। तभी जादूगर ने कहती है, सच में जूही तुम बहुत अच्छी हो और लालची तो बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें बालों की जरूरत थी, फिर भी तुमने अपने बारे में नहीं सोचा। अगर तुम लालच में आकर जादुई सोने के हेयरबैंड की नदी का जादुई सोने का हेयरबैंड लगाती तो शायद तुम्हारे बाल कभी ना आते, मगर तुम्हारी अच्छाई की वजह से, तुम्हारे नेक दिल की वजह से तुम्हें सब कुछ मिल गया। जाओ एक हंसी खुशी जीवन बिताओ। जादूगरनी की बातें सुनकर जूही खुश हो जाती है और वह खुशी खुशी घर आ जाती है। जूही को इतने ज्यादा सुंदर और सोने और चांदी के बाल देखकर दोनों माँ बेटी हैरान हो जाती हैं और उसके साथ इतनी सारी धन दौलत भी। तभी कावेरी जूही से कहती है, क्यूरी मनहूस, तू तो पूरी तरह से गंजी हो गई थी, फिर अचानक तेरे इतने ज्यादा सुंदर सोने और चांदी के जैसे दिखने वाले बाल कहाँ से आए? और तेरे पास सोने और चांदी के सिक्के, जल्दी बता यह सब तू कहाँ से लेकर आई है? अपनी सौतेली माँ के पूछने पर जूही अपनी सौतेली माँ और बहन को सब बता देती है, जिसे सुनकर दोनों माँ बेटी बहुत खुश होती हैं और तुरंत जादुई सोने और चांदी के हेयरबैंड की नदी के पास पहुँच जाती हैं। दोनों से भी यही सवाल होते हैं तो दोनों माँ बेटी लालच में आकर जादुई सोने के हेयरबैंड की नदी का जादुई सोने का हेयरबैंड चुनती है और जादूगरनी दोनों माँ बेटी को जादुई सोने का हेयरबैंड दे देती है, जिसे लगाते ही दोनों माँ बेटी बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती हैं। उनके बाल हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं, जिसे देखकर दोनों माँ बेटी बहुत रोती हैं। उन्हें उनके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वहीं दूसरी तरफ जूही के अच्छे स्वभाव की वजह से उसके पास जादुई चांदी का हेयरबैंड था, जिसकी मदद से वह एक हंसी खुशी जीवन बिताती है।